अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक बहुत मज़े की और हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ, वो है ओट का पोरिज। बहुत ही मज़े का और बहुत इजी बन जाता है दूसरे पोरेजेस की निस्बत। इसका टाइम जो है कुकिंग टाइम बहुत कम है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए मैंने बटर लिए है, आलमोस्ट 2 टेबल स्पून है। इसको मेल्ट करते हैं। ये देखिए बटर जो है ऑलमोस्ट वो मेल्ट हो गया। आप इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मैं इसके 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी ताकि इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। ये देखिए मैंने इसकी 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है मीडियम फ्लेम पर रख के। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिल्क। थ्री एंड हाफ कप हम इसमें यूज करेंगे मिल्क का और इसको मिक्स कर देंगे और हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही इसको कुक करेंगे। देखिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रख के कुक कर रही हूँ और साथ साथ मैं हिलाती जा रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर, आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 4 टेबलस्पून भर के शुगर के ऐड करूंगी, 3 एंड 4, और इसको मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें कुछ ड्राई फ्रूट मैं इसमें ऐड करूंगी। ये देखिए एलमंड्स है कटे हुए 1 टेबलस्पून वो, और ये वॉलनट है यानी अखरोट वो, और पिस्ताशियो यानी पिस्ते हैं, और ये काजू यानी कैशू हैं। ये थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए रखे हैं, थोड़े से इसमें डालेंगे। अब ये अपने बच्चों को बना के दिया करें, ये बहुत हेल्दी फूड है। ये देखिए पोरिज रेडी हो गया। ये देखें अब मैं इसको डिश में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आपके लिए बहुत ही मज़े का हेल्दी पोरिज रेडी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन है इसको क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी रेसिपी अपलोड करें वो आप तक आए टोटली फ्री है। ओके जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।